वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 130 से। कुछ पार्ट बाकी रह गया था चैप्टर 6 का, वही आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मैथ डॉट रैंडम। दिस फंक्शन रिटर्न्स द रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। इट रिटर्न्स अ डबल डेटा टाइप वैल्यू। नॉर्मली इट रिटर्न्स द वैल्यू एज अ फ्रैक्शनल नंबर। तो ये जो फंक्शन है ये 0 और 1 के बीच कोई नंबर रिटर्न करेगा रैंडमली, और ये हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन रिटर्न करता है। सिंटैक्स देखो, रिटर्न डेटा टाइप वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन नेम। फॉर एग्जाम्पल डबल टी इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। तो कैसे यूज होता है रिटर्न डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम इक्वल टू फंक्शन नेम। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, डबल है रिटर्न डेटा टाइप, फिर डी है वेरिएबल, इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम है फंक्शन नेम। ठीक है, अगर ऐसे हम लिखेंगे तो 0 और 1 के बीच कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, सैम्पल प्रोग्राम इज इलस्ट्रेटेड बिलो। देखो, फर्स्ट कमेंट लाइन है टू डिस्प्ले द रैंडम नंबर, क्लास रिजल्ट, ओपनिंग ब्रेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये मेन डिक्लरेशन लाइन है। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, उसके बाद वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है आई और डबल टाइप का एक वेरिएबल है डी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1, ये तो ऐसे ही प्रिंट कर देगा मैसेज को। फिर फॉर लूप में देखो, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ये फॉर लूप घूम रहा है 1 से लेकर 10 तक, मतलब 10 बार घूमेगा। डी इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डी। तो डी में रैंडमली वैल्यू आएगा और वो प्रिंट होगा। ठीक है, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर लूप, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो अगर ऐसे प्रोग्राम लिखेंगे तो देखो नीचे रैंडमली 10 नंबर दिया है, 10 फ्रैक्शनल नंबर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही रैंडम फंक्शन वर्क करता है। अब नेक्स्ट पेज में जाओ, मॉडिफिकेशन विथ रैंडम फंक्शन। टू गेट एन इंटीजर रैंडम नंबर बिटवीन 1 and n, तो 0 और 1 के बीच अगर हो तो प्रीवियस वाला जो फंक्शन है वही यूज होगा। लेकिन अगर 1 और n के बीच, n कोई भी वैल्यू हो सकता है, अगर 1 और n के बीच रैंडमली वैल्यू चाहिए तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा उस फंक्शन को। कैसा, देखो int r इक्वल टू int मैथ डॉट रैंडम इंटू n प्लस 1, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 1 और दैट वैल्यू के बीच फ्रैक्शनल नंबर रैंडमली देगा। ठीक है, हियर यू विल गेट एनी रैंडम इंटीजर नंबर बिटवीन 1 and n। टू गेट एनी इंटीजर रैंडम नंबर बिटवीन m एंड n, मतलब दोनों ही अननोन है, m एक लिमिट है और n एक लिमिट है। ठीक है, दोनों नंबर के बीच अगर रैंडमली कोई नंबर चाहिए तो क्या करना है, देखो, वेयर m एंड n आर द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द इंटीजर नंबर्स रेस्पेक्टिवली, इंट आर इक्वल टू इंट मैथ डॉट रैंडम इंटू एन माइनस m ब्रैकेट में, उसके बाद प्लस m। ठीक है, तो अगर ऐसे हम फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे तो m और n के बीच कोई भी नंबर देगा, फ्रैक्शनल नंबर देगा। ठीक है, तो प्रीवियस पेज में जो रैंडम फंक्शन देखे वो 0 और 1 के बीच रैंडम नंबर देगा। इस पेज में
थोड़ा सा मॉडिफाई करके वन और एन के बीच हम रैंडम नंबर ले सकते हैं, और अगर और भी मॉडिफाई करें तो एम और एन के बीच भी हम कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, लेकिन रैंडम नंबर हमेशा फ्रैक्शनल ही होगा। ठीक है, अब नोट देखो, व्हेन मैथडॉट रैंडम गिव्स इट्स लोएस्ट वैल्यू एज 0.1 देन एन इक्वल टू जीरो। मतलब अगर n इक्वल टू जीरो है तो मैथडॉट रैंडम का जो वैल्यू होगा वो है 0.1। व्हेन इट्स हाईएस्ट वैल्यू एज 0.9 देन n इक्वल टू 1। मतलब अगर हाईएस्ट वैल्यू 0.9 ऐसे होगा तो n का वैल्यू क्या होगा, 1। नेक्स्ट, फॉर एनी अदर रैंडम वैल्यू बिटवीन 0.1 एंड 0.9 n विल आइदर बी 0 और 1। तो अगर 0.1 और 0.9 के बीच वैल्यू लेना है तो n इक्वल टू 0 और 1 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रैंडम फंक्शन कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन द रिजल्ट हेड और टेल रैंडमली व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। द फंक्शन कैन बी यूज्ड एज int n इक्वल टू int method random into 2। तो अगर सिर्फ दो आंसर चाहिए, मतलब 0 या 1, हेड और टेल, इस टाइप का आंसर, मतलब बाइनरी आंसर्स जो बोलते हैं, ठीक है, वो अगर चाहिए तो method random को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो, int n इक्वल टू int method random into 2। ठीक है, here the value of n 0 or 1 so obtain be assumed as tail or head respectively। मतलब अगर 0 मिलेगा तो tail assume करेंगे और अगर 1 मिलेगा तो head assume करेंगे। ठीक है, next, angle conversion in mathematics degree and radian are the two basic unit of measuring angle। वो तो हम जानते ही है, ये मैथ्स का बात है कि डिग्री एक यूनिट है और रेडियन भी एक यूनिट है, और दोनों ही इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब डिग्री से रेडियन में हम जा सकते हैं, रेडियन से डिग्री में हम जा सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल कैलकुलेशंस वी ऑफन नीड टू कन्वर्ट एंगल्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड वाइस वर्सा। लेट अस लर्न एज टू हाउ an angle is converted into degree to radian and vice versa। Conversion from degree to radian, क्या कर रहा है देखो, you can convert an angle from degree to radian into the following two ways, by using mathematical relation, by using mathematical function। तो mathematical relation use करके कैसे करते हैं देखो, the following mathematical relation can be used to convert an angle from degree to radian। 180 degree equal to pi radian, where pi equal to 22/7, hence radian equal to 22/7 into 180 into degree, or radian equal to math dot pi divided by 180 into degree। तो दोनों ही हो सकता है। ठीक है, by using mathematical function math 2 radians, ये एक फंक्शन है जो यूज हो सकता है। math 2 radians is an built-in mathematical function in Java which is used to convert an angle measured in degree to an approximately equivalent angle measured in radian। means अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो मैथ डॉट टू रेडियन ये फंक्शन यूज कर सकते हो। इट एक्सेप्ट्स द आर्ग्यूमेंट इन डबल डेटा टाइप एंड विल रिटर्न द वैल्यू आल्सो इन डबल डेटा टाइप। तो ये डबल में ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है और रिटर्न भी डबल में ही करता है। नोट देखो, वैल्यू ऑफ पाई रेडियन 22/7 कैन ऑल्सो बी इन्वोक्ड बाई यूजिंग मैथ डॉट पाई फंक्शन। तो math.py फंक्शन को यूज़ करके π
पाई का जो वैल्यू है 22/7 वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। नेक्स्ट सिंटैक्स, डेटा टाइप वेरिएबल टू इक्वल टू मैथ डॉट टू रेडियन वेरिएबल वन। फॉर एग्जाम्पल डबल डी ई जी, ये एक वेरिएबल नेम है, इक्वल टू 45। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, डबल रैड इक्वल टू मैथ डॉट टू रेडियंस डिग, मतलब वो जो डिग्री है 45 उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। द एंगल इन डिग्री विल बी कन्वर्टेड इन टू रेडियन एंड विल बी स्टोर्ड इन वेरिएबल रैड। ठीक है, तो रैड वेरिएबल में स्टोर हो रहा है रेडियन में कन्वर्ट होके। तो 45 डिग्री आफ्टर कन्वर्शन रेड वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कन्वर्शन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, जो प्रीवियस वाला था वो था डिग्री टू रेडियन, अब जो कन्वर्शन होगा वो है रेडियन टू डिग्री। इसका भी दो वे है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशन एंड बाय यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल रिलेशन यूज़ करके कैसे करते हैं देखो, यू कैन यूज़ द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशन टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, वेयर पाई इक्वल टू 22/7। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री यूज द अबव रिलेशन एज डिग्री इक्वल टू रेडियन इंटू 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22। मतलब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, जहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 है, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन इंटू 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, ये फॉर्मूला है, नहीं तो और भी एक फॉर्मूला है, डिग्री इक्वल टू रेडियन इंटू 180 डिवाइडेड बाई मैथ डॉट पाई। ठीक है, तो दो फॉर्मूला यूज़ करके रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो मैथमेटिकल फंक्शन क्या है, मैथ डॉट टू डिग्री, ये है मैथमेटिकल फंक्शन जो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकता है। मैथ डॉट टू डिग्री इज ऑल्सो अ बिल्ड इन फंक्शन दैट इज यूज्ड इन जावा टू कन्वर्ट एन आर्ग्यूमेंट यूजिंग इन रेडियन इंटू एन अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट एंगल इन रेडियन। इट एक्सेप्ट्स द आर्ग्यूमेंट इन डबल डेटा टाइप एंड विल रिटर्न द वैल्यू इन डबल डेटा टाइप, ये भी डबल में ही एक्सेप्ट करता है और डबल में ही वैल्यू देता है। सिंटैक्स डेटा टाइप देन वेरिएबल टू इक्वल टू मैथ डॉट आर्ग फंक्शन वेरिएबल वन। एग्जाम्पल देखो, डबल रैड इक्वल टू मैथ डॉट पाई, फिर डबल डी इक्वल टू मैथ डॉट टू डिग्री रैड। ठीक है, हैंस द एंगल 22/7 इन रेडियन विल बी कन्वर्टेड टू डिग्री एंड विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल डिग। तो 22/7 भी डिग्री में कन्वर्टेड होके वेरिएबल डिग में स्टोर रहेगा। ठीक है, तो मैथ डॉट टू डिग्री इस फंक्शन से रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन हो सकता है। अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, इन ट्रिगोनोमेट्री वी फाइंड द रेशियो सच एज साइन कोसाइन टेंजेंट एक्सेट्रा फॉर अ गिवन एंगल। नॉर्मली द एंगल इज मेंशन्ड इन डिग्री फॉर व्हिच अ स्पेसिफिक रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड। जावा लैंग्वेज हैज प्रोवाइडेड सम मैथमेटिकल फंक्शंस टू कैलकुलेट दीज रेशियोज। तो जावा लैंग्वेज कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करके ये जो रेशियोज है साइन कोसाइन और टेंजेंट इसका वैल्यू निकल सकता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द जावा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन यूज एंगल्स इन रेडियंस रादर देन डिग्री। इन जावा द ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो जावा में आंसर रेडियन में मिलेगा, डिग्री में नहीं। ठीक है, अब देखो इन जावा द ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। तो कुछ पर्पस दिया है जहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस यूज होते हैं।
नंबर ए देखो, टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इफ द एंगल इज गिवन, मतलब अगर एंगल दिया हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी निकल जाएगा। नंबर बी देखो, टू फाइंड एन एंगल इफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज नोन, मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ है तो एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, द लाइब्रेरी फंक्शंस फॉर दिस पर्पस आर एज लिस्टेड बिलो, तो कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस यूज होते हैं, वो है मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट कॉस, मैथ डॉट टेन। नेक्स्ट पेज में जाओ, फर्स्ट प्रोसेस देखो, टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इफ द एंगल इज गिवन, तो अगर एंगल गिवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे निकालेंगे। इट कैन बी डन एज एक्सप्लेन बिलो, वी टर्न डेटा टाइप वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन नेम एंगल इन रेडियन, फॉर एग्जाम्पल डबल वैल इक्वल टू मैथ डॉट साइन एंगल, मतलब यहाँ पे डबल है डेटा टाइप, वैल है वेरिएबल, इक्वल टू मैथ डॉट साइन फंक्शन नेम है और फिर एंगल इन रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट नोट देखो, यू मस्ट कीप इन माइंड दैट इफ एन इनपुट एंगल इज इन डिग्री देन इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन टू बी यूज्ड एज अ आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी फंक्शन, तो अगर डिग्री में एंगल है तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करके ही फंक्शन में यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम दिया है देखो, अ सैम्पल प्रॉब्लम टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ कोसाइन फॉर अ गिवन एंगल, तो कोसाइन वैल्यू कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है ये। पब्लिक क्लास कॉस वैल्यू ओपनिंग ब्रेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, देन अगेन ओपनिंग ब्रेस, इंट ए इक्वल टू 60, ये डिग्री में वैल्यू दिया है, डबल रैड इक्वल टू 22/7 इंटू 180 इंटू ए, ये कन्वर्शन हो रहा है डिग्री टू रेडियन। नेक्स्ट डबल डी इक्वल टू मैथ डॉट कॉस रैड, मतलब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करके फिर मैथ डॉट कॉस में उसका यूज हो रहा है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री इज फ्लोट डी, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। देखो कंपाइल करने से नो सिंटैक्स एरर आया, नेक्स्ट पेज में जाओ, आंसर आया देखो, द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इज 0.4996349 2। वेन यू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ पाई विद द फंक्शन मैथ डॉट पाई यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेशियो दैट इज मेंशन्ड इन ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल ऑफ मैथमेटिक्स, तो तुम लोग पाई का जो वैल्यू है उसे मैथ डॉट पाई से रिप्लेस भी कर सकते हो। अगर रिप्लेस करोगे तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में दिया हुआ है वैल्यू वैसा ही वैल्यू देगा। लेट अस सी हाउ द अबव प्रोग्राम कैन बी मॉडिफाइड विद द यूज ऑफ मैथ डॉट पाई टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, तो मैथ डॉट पाई को यूज करके अभी वो सेम प्रोग्राम ही किया है। ठीक है, देखो कैसे किया है, अ सैम्पल प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ एन एंगल, पब्लिक क्लास कॉस वैल्यू ओपनिंग ब्रेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स ओपनिंग ब्रेस, नेक्स्ट इंट ए इक्वल टू 60, ये है वैल्यू डिग्री में, डबल रैड इक्वल टू मैथ डॉट पाई इंटू 1/80 इंटू ए, तो रैड एक वेरिएबल है जहाँ पे कन्वर्शन हो रहा है, मतलब डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो पिछले प्रोग्राम में 22/7 यूज हुआ था, इधर इस प्रोग्राम में मैथ डॉट पाई यूज हो रहा है, मतलब पाई का जो वैल्यू है उसे मैथ डॉट पाई से रिप्लेस कर दिया है। डबल डी इक्वल टू मैथ डॉट कॉस रैट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री इज प्लस फ्लोट डी।
ठीक है। तो अगर ऐसे प्रोग्राम करोगे तो भी रन करेगा और कन्वर्शन होगा और आंसर लगभग सेम ही देगा, ठीक है। जैसे देखो, अगर रन करोगे तो यहाँ वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री इज 0.5 दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोग्राम्स कोडेड अबव यूज मैथमेटिकल रिलेशन टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। दिस कैन ऑल्सो बी डन बाई यूजिंग फंक्शंस मैथ डॉट टू रेडियन। तो ये और एक फंक्शन है जिसे यूज करके भी हम लोग प्रोग्राम कर सकते थे, मतलब यही सेम प्रोग्राम कर सकते थे। नेक्स्ट पेज में जाओ। अ सैम्पल प्रोग्राम टू फाइंड कोसाइन ऑफ एन एंगल आफ्टर मेकिंग कन्वर्शन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन बाई यूजिंग मैथ डॉट टू रेडियन फंक्शन। तो अभी मैथ डॉट टू रेडियन फंक्शन को यूज करना सिखा रहा है। देखो, पहले तो कमेंट लाइन है, अ सैम्पल प्रोग्राम टू फाइंड द कोसाइन ऑफ एन एंगल। नेक्स्ट, पब्लिक क्लास कोसाइन वैल्यू, क्लास नेम है, ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ओपनिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन। अब देखो, डबल डिग इक्वल टू 45, डिग्री में वैल्यू ले रहा है 45। नेक्स्ट, डबल रेडियन इक्वल टू मैथ डॉट टू रेडियन डिग्री। तो ये जो फंक्शन है ये डायरेक्ट डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहा है। डबल कोसाइन इक्वल टू मैथ डॉट कॉस रेडियन, तो रेडियन में कन्वर्ट होने के बाद उसका कॉस वैल्यू निकल रहा है। नेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ कॉस 45 डिग्री इक्वल टू फ्लोट कोसाइन, तो वैल्यू को दे रहा है कॉस 45 डिग्री का वैल्यू। अब दो क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है, कंपाइल करो, नो सिंटैक्स एरर आया। अब एग्जीक्यूट करो, देखो द वैल्यू ऑफ कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 0.7071067, ठीक है, तो रन हो गया प्रोग्राम। सिमिलरली अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। तो ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैथ डॉट टू रेडियन फंक्शन को यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। नेक्स्ट देखो, नोट है कुछ। नंबर वन, इफ द आर्ग्यूमेंट इज नैन, मतलब नॉट अ नंबर, दिस मेथड विल रिटर्न नैन। मतलब ये जो प्रीवियस मेथड है, अभी जो मेथड हम डिस्कस किए, अगर आर्ग्यूमेंट पे नंबर लाइक कोई वैल्यू ना हो तो रिटर्न भी नॉट अ नंबर ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ द आर्ग्यूमेंट इज जीरो दिस मेथड विल रिटर्न जीरो विथ द सेम साइन एज द आर्ग्यूमेंट। अगर जीरो इनपुट है तो आउटपुट भी जीरो ही होगा विथ साइन। नेक्स्ट, इफ द आर्ग्यूमेंट इज इन्फिनिटी दिस मेथड विल रिटर्न इन्फिनिटी विथ द सेम साइन एज द आर्ग्यूमेंट। तो अगर इन्फिनिटी इनपुट है तो आउटपुट भी इन्फिनिटी ही देगा विथ सेम साइन। अब देखो B, to find an angle if trigonometrical ratio is known, तो अगर trigonometrical ratio known है तो कैसे angle निकालेंगे। Java language also uses trigonometrical arc functions such that each of them will return an angle in radian corresponding to the trigonometrical ratio used as an argument टू द फंक्शन। तो जावा लैंग्वेज क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आर्क फंक्शंस को यूज करके एंगल्स को रेडियन में देता है, ठीक है। सिंस द रिटर्न्ड एंगल विल बी इन रेडियन
यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री. सम ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल आर्क फंक्शंस आर लिस्टेड बिलो. तो ये रेडियन में आउटपुट देगा, तो इसलिए इसे डिग्री में कन्वर्ट करना ज़रूरी है अगर फर्दर यूज़ करना हो तो. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल आर्क फंक्शंस दिया है. देखो, मैथ डॉट ए साइन, मैथ डॉट ए कॉस, मैथ डॉट ए टैन. सिंटैक्स देखो, रिटर्न डेटा टाइप वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन नेम ब्रैकेट में वैल्यू इन रेडियन. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, देखो डबल पी इक्वल टू 0.5, डबल एम इक्वल टू मैथ डॉट ए साइन पी. ठीक है, तो यहाँ पे डबल डेटा टाइप है, एम है वेरिएबल, मैथ डॉट ए साइन फंक्शन नेम है और वैल्यू इन रेडियन है पी. ठीक है, नेक्स्ट देखो, हियर द रिटर्न्ड एंगल इन द वेरिएबल एम विल बी इन रेडियन, सो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री आइदर बाय यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशन और फंक्शंस एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर. तो ये जो आंसर निकलेगा ये रेडियन में निकलेगा, तो इसे फर्दर तुम्हें डिग्री में कन्वर्ट करना है. वो मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज़ करके भी कर सकते हो या रिलेशंस को यूज़ करके भी कर सकते हो. नेक्स्ट एक छोटा प्रोग्राम दिया है, देखो अ सैम्पल प्रोग्राम टू फाइंड एंगल फॉर अ गिवन साइन रेशियो. पब्लिक क्लास एंगल, ओपनिंग ब्रेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्क्स. ओपनिंग ब्रेस, डबल बी इक्वल टू 0.5, डबल के इक्वल टू मैथ डॉट ए साइन बी, डबल डी इक्वल टू के इंटू 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 22. सिस्टम नोट आउट डॉट प्रिंटलन, द एंगल ऑफ साइन वैल्यू 0.5 इज मैथ डॉट राउंड डी प्लस डिग्री. तो क्या हो रहा है इधर, साइन रेशियो दिया हुआ है, साइन रेशियो को यूज़ करके जो एंगल आउटपुट में आ रहा है वो रेडियन में है जिसे के में स्टोर किया. अब उसी एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करके डी में स्टोर किया. ठीक है, अब आंसर दे रहा है द एंगल ऑफ साइन वैल्यू 0.5 इज मैथ डॉट राउंड डी प्लस डिग्री, मतलब डिग्री में फाइनल आउटपुट हमें मिल रहा है. ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास. ठीक है, तो साइन रेशियो को यूज करके रेडियन में एंगल कैलकुलेट किया, फिर उसे डिग्री में कन्वर्ट किया. नेक्स्ट पेज में जाओ, कंपाइल किया है फिर एग्जीक्यूट किया है, तो आया द एंगल ऑफ साइन वैल्यू 0.5 इज 30 डिग्री. अब देखो और एक प्रोग्राम, यू कैन ऑल्सो यूज मैथमेटिकल फंक्शन मैथ डॉट 2 डिग्री टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री. अ सैम्पल प्रोग्राम बाय यूजिंग मैथ डॉट 2 डिग्री. पब्लिक क्लास कॉस एंगल, ओपनिंग ब्रेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, फिर से ओपनिंग ब्रेस, डबल डी इक्वल टू 0.5, ये कोसाइन रेशियो है. नेक्स्ट डबल रेड इक्वल टू मैथ डॉट ए कॉस डी, मतलब जो कोसाइन रेशियो है उसे यूज करके रेडियन में एंगल कैलकुलेट हो रहा है. अब डबल कॉस डी इक्वल टू मैथ डॉट 2 डिग्री रेड, मतलब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, द एंगल ऑफ कोसाइन वैल्यू 0.5 इज मैथ डॉट राउंड कॉस डी प्लस डिग्री. ठीक है, तो मैथ डॉट 2 डिग्री को यूज करके डिग्री में कन्वर्ट कर दिया. फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास. नेक्स्ट पेज में जाओ, कंपाइल किया है और फिर रन किया है, तो देखो द एंगल ऑफ कोसाइन वैल्यू 0.5 इज 60 डिग्री. ठीक है, सिमिलरली
अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल आर्क फंक्शंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आर्क फंक्शंस यूज कर सकते हो। अब देखो कुछ सॉल्व्ड प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड एंड डिस्प्ले द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टेकिंग साइड ऑफ अ स्क्वायर एज एन इनपुट। तो साइड को इनपुट लेके डायगोनल कैलकुलेट करना है। अ प्रोग्राम टू फाइंड द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये तो लाइन देना पड़ेगा क्योंकि स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है। नेक्स्ट पब्लिक क्लास डायगोनल, फिर ओपनिंग ब्रेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, देन अगेन ओपनिंग ब्रेस, देन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन, देन वेरिएबल डिक्लेरेशन, दो टाइप के वेरिएबल है, इंटीजर और डबल। नेक्स्ट एंटर साइड ऑफ अ स्क्वायर, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दे के यूजर को दिया है मैसेज। नेक्स्ट ए इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, ये साइड को पड़ा है ए में। डी इक्वल टू मैथ डॉट एस क्यू आर टी टू इन टू ए, मतलब रूट टू ए, ये डायगोनल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट पेज में जाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, साइड ऑफ द स्क्वायर ए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर डी, दोनों को प्रिंट कर दिया, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। अब देखो कंपाइल हो रहा है, नो सिंटैक्स एरर आया, फिर आउटपुट दिया है, साइड को दिया है 25, तो इसलिए डायगोनल कैलकुलेट हुआ है। देखो 35.355339059327338, ठीक है, बहुत बड़ा एक डेसिमल नंबर है क्योंकि डबल में लिया था हम डायगोनल को, तो इसलिए डेसिमल के बाद एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर टू देखो, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट नंबर, हिंट यूज मैथ डॉट मीन। तो मैथ डॉट मीन को यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर निकलना है तीन नंबर में से। अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, पब्लिक क्लास स्मॉलेस्ट, देन ओपनिंग ब्रेस, ये कुछ कॉमन लाइन्स हैं। फिर नेक्स्ट पेज में जाओ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ओपनिंग ब्रेस, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन, फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइन, सारे इंट टाइप के वेरिएबल है। नेक्स्ट एंटर थ्री नंबर्स, तीनों नंबर को पढ़ा है ए बी सी में, फिर डी इक्वल टू मैथ डॉट मीन ए बी, पी इक्वल टू मैथ डॉट मीन सी डी, मतलब पहले ए और बी में जो छोटा है वो डी में गया, फिर डी और वो थर्ड नंबर में जो छोटा है वो पी में गया, ठीक है, मतलब पहले फर्स्ट दो नंबर को दे के मिनिमम निकाला है, फिर वही मिनिमम और जो थर्ड नंबर है उसमें से मिनिमम निकाला है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, द स्मॉलेस्ट नंबर इज पी, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है, इजी प्रोग्राम है। नेक्स्ट राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द साइड ऑफ अ क्यूब टेकिंग इट्स वॉल्यूम एज एन इनपुट। तो वॉल्यूम को इनपुट लेके साइड को कैलकुलेट करना है क्यूब का। फॉर्मूला देखो, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, ये है साइड ऑफ अ क्यूब। पहले कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, फिर पब्लिक क्लास साइड, ओपनिंग ब्रेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, देन अगेन ओपनिंग ब्रेस, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इंट वी, डबल ए, ये दो वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइन है, फिर एंटर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम को रीड किया है वी में, फिर ए इक्वल टू मैथ डॉट सी बी आर टी वी, मतलब क्यूब रूट ऑफ वी, ये कैलकुलेट किया है फंक्शन यूज करके, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दे के दोनों को प्रिंट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड साइड ऑफ अ क्यूब, ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, इजी प्रोग्राम है, सिर्फ मैथ डॉट सी बी आर टी का यूज यहां पे दिखाया है। नेक्स्ट पेज में जाओ,
Write a program in Java to calculate and display the value of the given expression. 1 by a square plus 1 by b cube plus 1 by c to the power 4. Take the value of a, b and c as input. तो देखो, first comment line, a program to find the value of an expression. Import java.util.star, then public class expression, opening bracket, public static void main string args, opening bracket, then scanner in equal to new scanner system.in, ये scanner class का object create करने वाला line है. फिर दो वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइन, अब एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तीनों को रीड किया है ए बी और सी में. अब डी इक्वल टू 1 बाई मैथ डॉट पाव ए कॉमा टू, मतलब 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई मैथ डॉट पाव बी कॉमा थ्री, मतलब 1 बाई बी क्यूब प्लस 1 बाई मैथ डॉट पाव सी कॉमा फोर, मतलब 1 बाई सी टू द पावर 4. तो कैलकुलेट किया. अब system.out.println वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इक्वल टू डी, ठीक है, प्रिंट कर दिया डी को. फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, हो गया. अब लास्ट प्रोग्राम देखो. द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर u equal to initial velocity, a equal to acceleration, s equal to distance covered. Write a program in Java to calculate and display the final velocity by taking the initial velocity, acceleration and the distance covered as input. तो u, a और s को लेना है, फिर v को calculate करना है. देखो, program to calculate the final velocity. Import java.util.star, public class velocity, opening brace, then public static void main string args, then again opening brace, then scanner in equal to new scanner system.in, scanner class ka line. Ab next page mein jao. Int uas double v, dono variable declaration line hai. system.out.println, enter the value of ua and s, तीनों का वैल्यू लिया है. अब मैथ डॉट एस क्यू आर टी, उसके अंदर मैथ डॉट पाओ यू कॉमा टू, मतलब यू स्क्वेयर रूट ओवर यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, ठीक है, जो फॉर्मूला है वी का वही. मतलब यहाँ पे रूट ओवर करके दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस लिखा है, यहाँ पे v इक्वल टू रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लिखा है. बात सेम ही है, अगर v निकलना है तो रूट ओवर तो करना पड़ेगा. नेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है. तो ये था फाइनल वेलोसिटी निकलने का प्रोग्राम. तो यहाँ पे चैप्टर 6 ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे. बाय.